माइंस एंड मिनरल्स डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन एक्ट 1957 को अमेंड करने की जरूरत है। ये तीन अमेंडमेंट जब तक भारत के अंदर में नहीं होते, जब तक कॉन्स्टिट्यूशन का फिफ्थ शेड्यूल अमेंड नहीं होता, ह्यूमन राइट्स के लॉ के मुताबिक पेशा लॉ अमेंड नहीं होता, MMDRA एक्ट अमेंड नहीं होता, फॉरेस्ट राइट्स एक्ट उसके साथ में 2006 का अमेंड नहीं होता, लैंड एक्विजिशन एक्ट 2013 का अमेंड नहीं होता, तब तक आदिवासियों को उनका राइट सेफगार्ड नहीं होगा। ये बात मैं आपको डिस्करेज करने के लिए नहीं कह रहा हूं, सही रास्ता दिखाने के लिए कह रहा हूं। इंडिया के अंदर में ये अमेंडमेंट लाने की जरूरत है। पॉइंट नंबर वन, क्या होगा? मैक्सिको में हुआ ज़ापेटिस्टा मूवमेंट, मैक्सिको का जब ग्लोबलाइजेशन आया, मल्टीनेशनल कंपनीज आई, तो मैक्सिको के अंदर लोगों ने कहा, जब आदिवासियों ने वहां मूवमेंट शुरू किया कि नहीं, मल्टीनेशनल हमारे ट्राइबल एरिया में, शेड्यूल्ड एरिया में नहीं लग सकती, अगर लगना है तो उसका परमिशन हम देंगे, उसका हम परमिशन देंगे, हम डिसाइड करेंगे कि लगना है या नहीं लगना है, हम डिसाइड करेंगे कि किस टर्म्स एंड कंडीशन पे लगना है। ज़ापेटिस्टा मूवमेंट ऑफ मैक्सिको, ट्रीटी ऑफ वेटांगी न्यूजीलैंड 1865 का पहला न्यूजीलैंड का इंडिजिनियस राइट्स का जो एग्रीमेंट हुआ, उसके बाद ये डिसाइड हुआ कि अगर मल्टीनेशनल को भी वहां लगना है तो बगैर आदिवासियों के परमिशन के नहीं लग सकते। इसलिए मैं भारत में 2007 से कह रहा हूं, और मुझे खुशी है इस बात की कि आज अपने 20% शेयर होल्डिंग की बात कही है, मुझे खुशी है इस बात की, मैंने 2007 से इस बात को कहा है इंडिया के अंदर। और 2013 का जो ट्राइब्स कमीशन है उसकी स्पेशल रिपोर्ट में भी ये बात कही गई है स्वीट इक्विटीज की। लेकिन मोदी गवर्नमेंट ने आने के बाद दो काम किया, स्वीट इक्विटीज के जगह डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउंडेशन बनाया और लैंड एक्विजिशन एक्ट का ऑर्डिनेंस निकाला था आदिवासियों के लिए। शायद बहुत लोगों को मालूम नहीं कि 2014 के बाद मैंने उस ऑर्डिनेंस को फेल किया देश के अंदर में। तो अपनी बात को समाप्ति की तरफ लाऊंगा, दो तीन काम करना होगा। एक, पार्लियामेंट के अंदर में ये अमेंडमेंट्स को लाना होगा, पहली बात। दूसरी बात, ILO के 169 कन्वेंशन को रेटिफाई करने के लिए स्टेप उठाना पड़ेगा, और मैं आपको ये बात कह रहा हूं आज संघ एम्बस और अंबेडकराइट पार्टी ऑफ इंडिया के तरफ से, जिसका मैं नेशनल प्रेसिडेंट हूं, कि अगर भारत के अंदर ये मसला सॉल्व नहीं होता तो आप निश्चिंत रहिए, अगर मैंने ऑलरेडी 30.5 करोड़ लोग SC ST का पिटीशन किया 15 अगस्त का, उसमें बहुत सारे अचीवमेंट हुए, 2 साल में 40,000 करोड़ रुपया यूनियन बजट में ज्यादा मिलाया मैंने SC ST के लिए, और बहुत सारे डेवलपमेंट है, आज उस पर नहीं कहूंगा। लेकिन मैं आपको ये वादा देता हूं कि अगर भारत के अंदर गवर्नर सोते होंगे, गवर्नर टूरिज्म पर जाते होंगे, राष्ट्रपति भले ही शेड्यूल कास्ट के हो लेकिन वो भी सोते होंगे, नरेंद्र मोदी और रमन सिंह की गवर्नमेंट को लगता होगा हम आदिवासियों के साथ, उनके राइट्स के साथ खिलवाड़ कर सकते हैं, तो नरेंद्र मोदी जी याद रखना, अगर भारत में ये सवाल नहीं हुआ तो मैं आपको यूनाइटेड नेशंस में खड़ा करूंगा, ये बात आप ध्यान रखना। और आप इसको ये मत समझना आपका पाला मायावती से नहीं है, आपका पाला विजय मानकर से, जो ये सब बात जानता है, इस बात को आप ध्यान में रखना। अगर आपने ये राइट्स को, आदिवासियों के राइट्स को एक लिमिट के आगे वायलेट किया भारत के अंदर, तो मैं आपको यूनाइटेड नेशंस में खड़ा करूंगा और इतने इतने आपको पर्दे उतारूंगा कि आपको मनो तो क्या, उसके आगे के 10 जो है फादर भी आपको याद आ जाएंगे, ये बात ध्यान में रखना। ये पहली बात जो मैं आपसे कहता हूं। दूसरी बात, छत्तीसगढ़ में 2018 है, अभी ये जन आंदोलन करने का तो समय है, लेकिन उससे आगे आदिवासी सरकार बनाने का समय है छत्तीसगढ़ के अंदर। अब आदिवासी सरकार बनाने का समय है, और यदि आप लोग इस बात को सीरियसली ले तो 29 रिजर्व है, मैं इंश्योर करता हूं कि 90 में आधा आदिवासी लड़ेगा छत्तीसगढ़ के अंदर में, आपको टिकट के लिए कहीं जाने की जरूरत नहीं है, मैं इंश्योर करूंगा कि आधा आदिवासी 45 सीट पर यहां लड़ेगा। आप ये जन आंदोलन करो जितना करना है, लेकिन 2018 में आदिवासियों की सरकार बना लो, ये इसका इमीडिएट सोल्यूशन है, ये इसका स्थाई जो है वो समाधान है, इसके ऊपर आप काम करो, बाकी कल्चर की बातें, सेंसस 2021 में अपने धर्म को ट्राइबल रिलीजन लिखाना, 8वीं सूची में ट्राइबल लैंग्वेजेस आना है, बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन दो चीजें, एक ह्यूमन राइट्स को लाना कॉन्स्टिट्यूशन में, दूसरा ट्राइबल गवर्नमेंट बनाना, ये सबसे महत्वपूर्ण बात है। आप लोगों ने मुझे सुना,
मुझे खुशी है इस बात की कि मैं आखिरी तक आप लोगों के साथ